हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। मेरा नाम है मोहित बलानी एंड आप देख रहे हैं ऑटो फाइल्स। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टाटा टियागो का XT ऑप्शनल वेरिएंट। ये दोस्तों XE बेस वेरिएंट आता है टियागो का, उसके ऊपर आता है आपका XT ऑप्शनल, उसके ऊपर आपका आता है XT। तो ये बीच वाला वेरिएंट है, लिमिटेड पीरियड के लिए ये सिर्फ आने वाला है। क्या आपको चेंजेस हैं XE बेस वेरिएंट से, वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा वीडियो में। एंड आपको क्यों बेस वेरिएंट को छोड़ के इस पर जाना चाहिए, कुछ रीजंस अगर होंगे तो मैं वो आपको वीडियो में हाईलाइट करूंगा। प्राइसिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो 6.36 लाख, 6,36,000 रुपये ऑन रोड प्राइस है रायपुर छत्तीसगढ़ की। आपके शहर एंड स्टेट के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके हो सकती है, 6.5 लाख के अंदर अंदर ही आ जाएगी। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम द एक्सटीरियर्स। ये है आपके सामने XT ऑप्शनल वेरिएंट। एंड अगर आप वंडर कर रहे हैं कि इसमें क्या कुछ चेंजेस हैं बेस वेरिएंट से, तो ये एकदम सेम है। फ्रंट में आपको कोई चेंज नहीं है, सेम आपको यहाँ पर भी फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, हेलोजन नॉर्मल बल्ब्स आते हैं फॉर द हेडलैम्प्स। ये क्रोम की जो आपकी लाइनिंग है हेडलैम्प के नीचे, ये आपको बेस वेरिएंट में भी आ जाती है। सो एक्सटीरियर में फ्रॉम द फ्रंट कोई चेंजेस नहीं है। और अगर साइड प्रोफाइल की हम बात करें तो आपको XE जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें आपको ये जो व्हील कैप्स लगे हुए हैं ये नहीं मिलते, डायरेक्ट आपको स्टील रिम्स मिलते हैं। सो वो एक डिफरेंस है। गुडियर के टायर्स हैं दोस्तों, टायर्स की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एंड अगर आप टायर के साइज़ की सोच रहे हैं कि क्या साइज़ आता है, तो ये 175/65 R14, सो 14 इंचेस के टायर हैं। एंड विड्थ भी काफ़ी अच्छी है, 175 इस सेगमेंट के लिए सफिशेंट है। दूसरा आपको बता दूं, XE वेरिएंट में यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स नहीं आते, वो नीचे आते हैं। ये एक और डिफरेंस है। इसमें आपको बॉडी कलर्ड ORVMs और LED इंडिकेटर्स आ जाते हैं। सो साइड प्रोफाइल में यही चेंजेस थे कि आपको व्हील कैंप आ जाता है एंड यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स आ जाते हैं। एंड अगर हम टियागो के रेयर प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो रेयर में भी ये कोई चेंजेस नहीं है। अगर आप बेस वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे टिप स्पॉइलर्स मिल जाते हैं सॉर्ट ऑफ। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है। टियागो की सेंटर में बैजिंग है, टाटा का लोगो है। एंड दोस्तों, ये अगर आप सोच रहे हैं क्या है, तो यहाँ पर आपको रियर व्यू कैमरा आता है टॉप मॉडल पर। यहाँ पर ये प्लेन है, एक ऐसा एलिमेंट दिया गया। आपको यहाँ पर दो रियर पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको डुअल टोन सॉर्ट ऑफ बम्पर है, ये ब्लैक आउट फिनिश में। एंड नीचे आपको बॉडी कलर आ जाता है। अब अगर हम इंटीरियर्स की बात करें, इंटीरियर्स में क्या डिफरेंसेस है, सो पहले डोर्स से स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ डुअल टोन इंटीरियर मिल जाता है, ग्रे एंड ब्लैक टाइप की फिनिश है। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक है, सॉफ्ट टच नहीं है। यहाँ आपको टॉप मॉडल पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच टाइप का मटेरियल मिल जाता है। एंड ऑल ब्लैक्ड आउट है। यहाँ पर आपको बेस वेरिएंट के जैसे ही आपको डोर हैंडल्स आते हैं। एंड दोस्तों, इस वेरिएंट में आपको ऑल फोर पावर विंडोज ज़रूर मिल जाते हैं, जो आपके बेस वेरिएंट में नहीं आते। एंड इंटीरियर की डिफरेंसेस की बात करें, एसी वेंट्स के सराउंड्स में आप देख सकते हैं क्रोम है। इस नॉब में भी आपको छोटा सा क्रोम का एलिमेंट मिल जाता है। सेंटर के एसी वेंट्स में भी यहाँ पर आपको क्रोम मिल जाता है। एसी के कंट्रोल्स में भी दोस्तों आपको क्रोम मिल जाता है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनुअल ट्रांसमिशन, ये पेट्रोल का XT ऑप्शनल वेरिएंट है। यहाँ पर आपको लेदरेट टाइप की फिनिश मिल जाती है। एंड सीट की अपोल्स्ट्री की बात करें तो फैब्रिक सीट्स है दोस्तों, यहाँ ट्रायर और डिज़ाइन आपको दिया गया है। एंड ये है आपका बेसिक डिफरेंस जो XT एंड XT ऑप्शनल को डिफरेंट बनाता है। यहाँ पर आपको कोई भी म्यूज़िक सिस्टम सॉर्ट ऑफ थिंग नहीं आती दोस्तों, कोई भी म्यूज़िक सिस्टम नहीं आएगा। यहाँ आपको सारे बटन जो आते थे वो यहाँ नहीं आते। सो XT वेरिएंट अगर आप लेते हैं, जो इससे थोड़ा सा ऊपर इसके जस्ट ऊपर आता है, लगभग आपको 50,000 के आसपास कॉस्ट करेगा, उसमें आपको ये म्यूज़िक सिस्टम भी मिल जाएगा एंड कुछ एडिशनल फीचर्स भी मिल जाएंगे। एंड इस ऑप्शनल वेरिएंट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं, बस आपको ये म्यूज़िक सिस्टम बाहर से आपको लगवाना पड़ेगा। ये एक डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं स्टेयरिंग पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं मीडिया के। ये जो मीडिया के कंट्रोल्स हैं दोस्तों, ये यहाँ पर आप आफ्टर मार्केट यूनिट लगवाएंगे चाहे टाटा की डीलरशिप से ऑफिशियल यूनिट लगवाएंगे, तो ये जो है उसके साथ कनेक्ट कर जाएगा। सो ये डिफरेंस था। एंड आपको स्पीडोमीटर जो आता है ये आपका सेम आता है, ये आपके सारे वेरिएंट्स में टियागो में यही आता है, डिजिटल स्पीडोमीटर। सो दोस्तों, यही डिफरेंसेस थे आपके XE बेस वेरिएंट एंड XT ऑप्शनल वेरिएंट में। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो जो XE बेस वेरिएंट है ये इस XT ऑप्शनल वेरिएंट से लगभग 50,000 से 60,000 रुपये सस्ता है। एंड उसके अगेंस्ट में आपको इसमें बाहर व्हील कैप्स नहीं मिलते, ऑल फोर पावर विंडोज़ नहीं मिलते, स्टेयरिंग पर कंट्रोल्स नहीं मिलते। सो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं। एंड इसके ऊपर वाला जो XT वेरिएंट है, जिसमें आपको एक बेसिक सा टच यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम आ जाता है, टच स्क्रीन नहीं है, बेसिक बटन वाला ये आपको म्यूज़िक सिस्टम आ जाता है। फोर स्पीकर्स उसमें भी आते हैं, इस पर भी आते हैं।
वो जो है XT ऑप्शनल वेरिएंट से 20,000 रुपये महंगा है। तो आप या तो 20,000 एक्स्ट्रा दे के XT ले लीजिए, कंप्लीट आपकी कार हो जाएगी, या तो आप XT ऑप्शनल ले लीजिए एंड इसमें आप बाहर से म्यूज़िक सिस्टम लगाइए। ये टाटा ने लिमिटेड पीरियड के लिए इसीलिए इंट्रोड्यूस किया था क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप बड़ा सा आपका टच स्क्रीन सिस्टम लगाएं, आप एंड्रॉयड सिस्टम लगा सकें, वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी आपको XT ऑप्शनल वेरिएंट देता है। लिमिटेड पीरियड के लिए ये वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों, आगे जाके ये कुछ महीनों में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। सो ये था आपके लिए XT ऑप्शनल वेरिएंट का रिव्यू। मैं हूँ मोहित बलानी। वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। कोई भी क्वेरीज है दोस्तों कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम हर एक कमेंट को आंसर करते हैं, हर एक कमेंट को रिप्लाई करते हैं। इवन आप अगर कॉन्वर्जेसन भी करते हैं, हम उसको कॉन्वर्जेसन्स रीड करते हैं। आपका कुछ सजेशन रहता है दूसरे किसी ऑडियंस या व्यूअर को, तो उसको हम लाइक या लव भी कर देते हैं। तो आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। दिस इज़ मोहित बलानी, यू आर वॉचिंग ऑटो फाइल्स, साइनिंग ऑफ।